तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये इस चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले देखो, बेसिकली जो हम लोग अक्सर करते आए हैं वही करेंगे। सबसे पहला काम होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा काम होता है नॉमनक्लेचर, तीसरा प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। ये इसका ये टॉपिक हम डिस्कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, दूसरा नॉमनक्लेचर, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी, और पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी। ये पांच टॉपिक इस पूरे चैप्टर में है, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। पहली हेडिंग होगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ, अल्कोहल एंड फिनॉल। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल। अच्छा, क्लासिफाई करते समय याद करो पिछला वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो सबसे पहला टास्क है कि आप पिछली बार जो आपने क्लास में किया था उसमें एक्स था, यानी कि हैलोजन ग्रुप था। अब एक हैलोजन ग्रुप होता था तो मोनो हैलो, दो के लिए डाई हैलो, तीन के लिए ट्राई हैलो, चार के लिए टेट्रा हैलो आप यूज करते थे। तो यहाँ पे वही हैलोजन की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो अब आपके पास जो OH ग्रुप है उसको हाइड्रिक बोलोगे। तो एक OH ग्रुप को क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक। दो लगेगा तो डाई हाइड्रिक, तीन के लिए ट्राई हाइड्रिक, चार के लिए टेट्रा हाइड्रिक, पाँच के लिए पेंटाहाइड्रिक, ढेर सारे हैं, एन है, तो पॉलीहाइड्रिक इसका नाम पड़ेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप इसके पास हैं उसके हिसाब से। मान लो एक सिंगल OH ग्रुप, इधर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ OH ग्रुप और इसका कंपाउंड। तो पहला, अगर एक OH ग्रुप है तो उसका नाम होगा मोनोहाइड्रिक, दो के लिए क्या बोलेंगे बेटा डाईहाइड्रिक, तीन के केस में लिखेंगे हम ट्राईहाइड्रिक, चार के केस में लिखेंगे टेट्राहाइड्रिक। एक के लिए मोनोहाइड्रिक, दो के लिए डाईहाइड्रिक, तीन के लिए ट्राईहाइड्रिक और चार के लिए टेट्राहाइड्रिक, ये आपका कंपाउंड होगा मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं एन कर दूं तो क्या नाम होगा पॉलीहाइड्रिक। आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, आपके पास CH3 है और उसके साथ एक OH जुड़ा है, ये मोनोहाइड्रिक। या फिर मैं आपसे कहूँ कि एक बेंजीन बना दिया और इस बेंजीन के साथ एक OH जोड़ दिया, ये मोनोहाइड्रिक। क्या बेटा मोनोहाइड्रिक कहाँ ऊपर है, क्या बेटा, अच्छा अच्छा हाइड्रिक, ओके, बाकी कहीं गलती नहीं है, ठीक। मोनोहाइड्रिक क्या हो गया CH3OH एंड यहाँ पे बेंजीन के साथ एक OH जुड़ा। दूसरे में देखो डाईहाइड्रिक के केस में क्या होगा, दो OH ग्रुप जुड़ा होगा। अब एक और बात ध्यान देना, पिछली बार और इस बार में एक अंतर होगा। पिछली बार मैंने बोला था कि जब दो हैलोजन ग्रुप जुड़ते थे तो दो चांसेस होता था, या तो एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़ते थे या तो अलग अलग कार्बन से। एक ही कार्बन से जुड़े हुए दो हैलोजन ग्रुप को क्या बोलते थे, जेमिनल, और दो एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन ग्रुप को विसनल बोलते थे। यहाँ पे जेमिनल का कोई रोल नहीं है। अगर एक सिंगल कार्बन पे आपने दो OH ग्रुप जोड़ दिया तो पानी निकल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। आप क्या कहेंगे, एक कार्बन पे अगर गलती से आपने दो OH ग्रुप जोड़ दिया तो क्या निकलेगा, पानी। इस बात को ध्यान देना होगा हमेशा, इसलिए कभी भी एक सिंगल कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं लगाया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जेमिनल वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं है।
हम क्या करेंगे, व्यूसिनल, यानी कि दो हमारे पास कार्बन होंगे, हम इस दो एडजेसेंट कार्बन पे दो OH ग्रुप लगा सकते हैं, ये हो गया डाईहाइड्रिक। जरा आओ इधर देख लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास बेंजीन है तो बेंजीन पे दो OH ग्रुप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो एक यहाँ लगाया और इसके बगल में एक OH लगा दिया, हाँ या ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये रहा आपका बेंजीन, मैंने एक OH ग्रुप यहाँ लगाया और एक OH ग्रुप मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यस और नो। या फिर हमारे पास चांस है कि मेरे पास दो OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप को यहाँ लगाया, एक OH ग्रुप को यहाँ लगाया। अब बताओ ये क्या हो गया, ऑर्थो, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा आपको दिखाई दे रहा है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये इसका कंपाउंड होगा। ये जो ऑर्थो पे दिख रहा है इसका नाम है कैटाकॉल, चलो IUPAC नेमिंग में इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है, जब नॉमनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब बताओ तीसरा है ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक में मैंने क्या किया, ट्राईहाइड्रिक में मैंने CH2 CH CH2, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया। अब चलो अगर मैं ऑर्गेन यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल की बात करता तो ट्राईहाइड्रिक के केस में तीन OH मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ, आप बताएंगे क्या क्या कर सकता हूँ। अगला बताओ बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो OH को तो एक साथ रखूँ, एक OH को कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे, और बताओ क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक OH को यहाँ लगाऊँ, एक OH को यहाँ लगाऊँ, एक OH को यहाँ लगाऊँ, क्या इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं तीन OH को इस तरीके से लगा सकता हूँ, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ट्राईहाइड्रिक। तो आपके पास एक मोनोहाइड्रिक है और तीन मतलब ये डाईहाइड्रिक है, ये ट्राईहाइड्रिक है। इस तरीके से मैं टेट्राहाइड्रिक की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ CH2 CH CH CH2, तो यहाँ पे एक OH हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया। जब मैं बेंजीन के साथ बात करूँगा तो मैंने यहाँ पे लिखा एक OH, दो OH, तीसरा OH एंड चौथा OH। आप लोग मुझे बताएंगे इसके अलावा कैसे लिखूँ, बताओ बेटा क्या करूँ, सोच के बताओ। मैं दो दो को एक साथ कर दूं, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, और फिर एक OH यहाँ कर दूं, एक OH यहाँ कर दूं, तीन एक साथ कर दूं और एक को अलग कर दूं, चलो ठीक है, तीन को मैंने एक साथ कर दिया, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, चौथा अब एक छोड़ के लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपके ट्राईहाइड्रिक हो गया, टेट्राहाइड्रिक हो गया। तो आपके पास मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक, इस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन कराया। किसके बेस पे है बेटा, ये नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो सबसे पहला मोनोहाइड्रिक है, तो यानी एक ही OH होगा, तो जब एक OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन दो तरीके का हो सकता है, वो या तो क्या हो सकता है बेटा, sp3 कार्बन हो सकता है, या तो वो कार्बन sp2 कार्बन हो सकता है। तो अगर किसी को पिछले जन्म की कुछ बात याद हो तो मुझे बताइए sp3 कार्बन को कितने तरीके से डिवाइड किया गया था, सबसे पहला एल्काइलिक, एल्काइलिक, दूसरा क्या है अलाइलिक, और तीसरा हो गया बेंजाइलिक। ओके, इधर sp2 वाला विनाइलिक और अराइलिक। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आपको क्या देखना है, हीरो कार्बन देखना है। अगर हीरो कार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो उसे अल्काइलिक बोलेंगे, अगर आपका हीरो कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अलाइलिक बोलेंगे, अगर आपका हीरो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो तो उसे बेंजाइलिक बोलेंगे, और अगर आपका हीरो कार्बन खुद sp2 है तो उसे विनाइलिक बोलेंगे, अगर आपका कार्बन खुद बेंजीन का हो तो उसे अराइलिक बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया,
तो फिर से एक बार देखते हैं, ज़रा देखें, अलाइलिक की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ CH3CH2OH तो क्या ये अलाइलिक हुआ? हाँ या ना? एल्काइलिक हुआ, सॉरी एल्काइलिक हुआ। इस एल्काइलिक में आप देख रहे हैं जो आपका हीरो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, अब एक भी नहीं, तो इसे जीरो डिग्री क्या बोलेंगे? जीरो डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा दूँ, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह पर एक और कार्बन लगा दूं, तो इस हिसाब से आपका यह बन जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह एक और कार्बन लगा दूं, तो CH3CH3OH ये बन जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपके पास एल्कोहल 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप भी क्या कर किया जा सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों कोई डिग्री में डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पे बताइए, ये आपका कौन सा हो गया? एल्काइलिक। ये एल्काइलिक एल्कोहल जो मैंने अभी अभी बनाया। अब इसी के साथ मैं अलाइलिक एल्कोहल भी बना सकता हूँ बेटा, अलाइलिक एल्कोहल। जब मैं एलाइलिक एल्कोहल बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ले लिया और उसके बगल में एक ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी कि एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लिखा जिसे sp3 कार्बन बोला गया और उसके साथ मैंने जोड़ा एल्कोहल को। तो बताओ ये कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3। और इसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन बेटा? sp2। कितने डिग्री, कितने डिग्री हुआ ये? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिससे वह जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री अलाइलिक अलाइलिक एल्कोहल। अगर मैं सोचो यहीं पे इसी कंपाउंड को ऐसे लिख देता, मैंने एक CH3 लगा दिया इसके साथ और फिर एक OH लगाया, आप बताओ कितनी डिग्री हो गया बेटा? ये हो गया 2 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ 2 CH3 लगा देता और फिर बाद में इसके साथ वह जोड़ता, ये कितनी डिग्री हो जाता? 3 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल। क्या कोई दिक्कत है किसी को? आसान था। अब मैं बात करूँगा बेंजाइलिक के बारे में। ओके, तो आइए बेंजाइलिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेंजाइलिक एल्कोहल, तो बताओ बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल में एल्कोहल किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन से? नहीं, एल्कोहल बेंजीन के साथ जुड़े हुए किसी कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब ये जो एल्कोहल आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा नीचे लिखूंगा तब देख पाओगे ना, ये देखो अब तो दिख रहा होगा। बताओ ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक OH के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ दो हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये sp3 कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। सोचो अगर इसी कार्बन को एक हाइड्रोजन हटा करके मैं एक CH3 लगा देता, अब बताओ ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाता है, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अच्छा, अगर मैं फिर बेंजीन लगाऊं और एक कार्बन और हटाऊं और उसकी जगह पे एक और CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के एक और CH3 लगा दिया, अब क्या हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। बहुत ही आसान था। अब सब आखिरी में दो और बचे हुए, कौन कौन से बेटा? विनाइलिक और अराइलिक। इनका तो कोई पार्ट नहीं होगा, तो विनाइलिक, विनाइलिक का सिंपल सा मतलब जिस कार्बन से आप ऑक्सीजन जोड़ने वाले हो
वहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ के साथ OH लगा दो, ये sp2 होना चाहिए ना बेटा, ये हो गया आपका विनाइलिक। और इसी के साथ अगर आप अराइलिक की बात करते हो, अगर आप अराइलिक की बात करते हो तो अराइलिक में आपको क्या करना होगा, बस एक बेंजीन लगाना होगा और इस बेंजीन से डायरेक्ट OH लगाना होगा, चाहे बगल में इसके साथ चाहे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो। मान लो यहाँ पे मैंने NO2 जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और जोड़ दिया X, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से। तो इसे क्या बोलोगे? अराइलिक, बेंजाइलिक नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे? अराइलिक बोल। बेंजाइलिक के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, एक sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना? ये हो गया आपका एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अभी तक हम लोगों ने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन अच्छे से सीख लिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो फटाफट आप आंसर देंगे। पहले तो आप उसे बताएंगे कि कौन से टाइप का कार्बन है, एल्कोहल है, और दूसरे आप लोग बताएंगे कि वो डिग्री कौन सा है। ठीक है, जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करें। इन सवालों का आप आंसर दे दीजिए। सबसे पहला है CH3, CH2, CH3, CH2OH, बताओ इसका नाम क्या है? कम ऑन, एल्काइली, वन डिग्री एल्काइलिक। पक्का ना एल्काइलिक है? ओके, वन डिग्री एल्काइलिक। CH3, CH2, CH3, CH3, OH, बताओ बेटा, 3 डिग्री एल्काइलिक। तीसरा सवाल, CH2 double bond CHC CH3, बताओ बेटा, 3 डिग्री एल्काइलिक, बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक। बताओ बेटा, 3 डिग्री ये है 3 डिग्री एल्काइलिक, यही ना? नीचे वाला है 3 डिग्री बताओ बेटा, 2 डिग्री अलाइलिक, 2 डिग्री डिग्री कौन सा है? 3 डिग्री अलाइलिक। बताओ, 2 डिग्री विनाइलिक, डिग्री नहीं होता विनाइलिक में, क्या हो गया? विनाइलिक।
कितने डिग्री? क्या है? क्या है बेंजीन है? ठीक, नोट करें इसे। नोट कर लिया बेटा, इरेज करूं?